सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल सिंपल लिविंग विद शेपर और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल का नाम है सिंपल लिविंग विद शेफर। आज का जो मेरा वीडियो है वो है किचन काउंटरटॉप ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने नया कंगन पहना है, ये मैं मार्केट से ली थी, वो जब मैं जयपुर गई थी तो वहाँ से मैंने लिया था। बहुत ही प्यारा है, इसका कलर बहुत प्यारा है मुझे लगता है, क्योंकि ये मेरे ड्रेस से अभी मैच कर रहा है इसलिए मैंने इसे डाला है। और ये है मेरा कंप्यूटर जहाँ मैं वीडियो एडिट करती हूँ, और ये है छोटा सा टेडी बियर, जब मैं एडिट करती हूँ ये मेरे साथ रहता है। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपना किचन काउंटरटॉप ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले जो मेरा किचन का ऑर्गेनाइजेशन था आप लोगों ने बहुत पसंद किया, थैंक यू फॉर दैट। और आज मैं किचन काउंटरटॉप ऑर्गेनाइजेशन दिखाऊंगी, उसमें मैं थोड़ा चेंजिंग की हूँ। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टिप्स मैंने दिए हैं और आप लोग जरूर यूज कीजिए। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा काउंटर टॉप, ये किचन का है। तो इसमें मैंने क्या क्या रखा है वो मैं आज दिखाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किचन को किस तरह ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे, उसकी आइडियाज़ देंगे। तो मैं किस तरह ऑर्गेनाइज करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। मैं इस तरफ से आती हूँ, मैंने कुछ काउंटर टॉप को मैंने थोड़ा चेंजिंग किया है। मैं हर 6 मंथ में थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि ये जो मसाले के सारे डब्बे हैं जो उसको मैंने ऐसे ही रखा है। मैंने मेरा माइक्रोवेव अंदर था तो मैं उसे बाहर लाई हूँ, और माइक्रोवेव के ऊपर मैंने वही जार रखा है, 3 बहुत प्यारा जार है, मुझे बहुत पसंद है ये। और इसमें मैंने क्या क्या रखा है, इसमें है शुगर, सॉल्ट, और ये है चाय पत्ती जो लगभग ख़त्म हो चुका है, इसको फिल करना होगा। ये मेरा चीनी, चाय पत्ती और नमक का जार है, कंटेनर का ये। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्टोरेज का और एक सेल्फ मैंने ऐड किया है, जिसमें मैं फ्रूट्स और कुछ एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह रखना हो तो मैं रखती हूँ। इसे मैं खाली ही रखती हूँ ज़्यादातर करके, नीचे का देखिए अभी वो खाली है, खाली रखती हूँ। मुझे कोई बर्तन रखना हो या दूध का बर्तन रखना हो तो मैं यहाँ पे रखती हूँ। उसके आगे आप आइएगा तो ये जो मेरा तेल का कंटेनर था और पानी का, वो पहले इस साइड रखा हुआ था, तो उसको मैंने चेंज करके इस साइड लाया। और ये मेरा रेगुलर तेल यूज़ करने का जार है, ये मैं इसे हमेशा यहाँ पे मैं रखती हूँ। और उसके बाद ये है चॉपिंग बोर्ड, इसके पीछे रखती हूँ, क्योंकि मुझे बेलन तवा का रखने का एरिया पहले से मैं दिखा चुकी हूँ, आटे का डब्बा और बेलन और तवा जो भी है मैं नीचे रखती हूँ। मैं काउंटर टॉप को खाली ही रखती हूँ ज़्यादातर करके, क्योंकि मैं इसको खाली ही रखना मुझे पसंद आता है, ज़्यादा जंबल किया हुआ किचन मुझे पसंद नहीं है। तो इस कॉर्नर में मैंने तेल का कुछ कंटेनर रखा है जो मुझे यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी यूज़ होता है, ये तो ट्रे हमेशा ही रहता है। और जो मैंने ये तेल का जो कंटेनर मैं किस तरह रखी हूँ ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये मस्टर्ड ऑयल है और ये ऑलिव ऑयल है, और इसमें घी है, इसको मैं खोल के दिखाती हूँ, टाइट है, इसको मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। ये घी है, घी को मैं बड़े जार में रखती हूँ इस तरह, लेकिन जब मैं डेली यूज करती हूँ तो उसको छोटे कंटेनर में निकाल के रख लेती हूँ। और ये एक स्पून डाल के हमेशा रखती हूँ,
और ये हमेशा बंद रहता है इस तरह। थ्रेड वाला लॉक है जो ख़राब नहीं होता है, लॉक रहता है। और जो तेल बच जाते हैं कुछ खाना या फ्राई करने में, कुछ तल लेने में, तो मैं अगर उसको रीयूज़ करना, सब्ज़ी में डालना है, तो मैं उसे इस तरह से रखती हूँ। उसके बाद जब भी मैं कभी पराठा बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ, तो इस तरह का मेरे पास ऐसा ब्रश है जो बहुत इजीली पराठे में फैल जाता है। और आप इसको इस तरह अंदर में भी तेल डाल सकती हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि इससे तेल बहुत वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह तेल बहुत वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं इसको बस इस तरह डिप करती हूँ और इसको पराठा बना लेती हूँ इस तरह। और ऐसे इसके नीचे आप देखिएगा नैपकिन है जो तेल एब्जॉर्ब कर लेता है, वो नीचे आने नहीं देता है। इस तरह मेरा तेल का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं ऐसे कॉर्नर में रख देती हूँ। और आप देखिएगा कि मेरे किचन काउंटर टॉप में कुछ भी ज़्यादा नहीं है, सब कुछ मैंने अंदर ही रखा है। और साइड में मैंने जो रखा है वो है हैंड वॉश, ये एक होममेड हैंड वॉश है, मैं घर पे ही बना लेती हूँ बचे हुए साबुन से। उसके बाद ये आपका साबुन रखने का है, इसका भी एक बहुत अच्छा बना हुआ है। जब आपके साबुन ये हो जाते हैं, गल जाते हैं नीचे, तो उसके पानी आपका नीचे चला जाता है, जो आप उसको बाद में भी किसी चीज़ को धोने में, बर्तन में या सिंक धोने में काम में ले सकते हैं। और यहाँ पे मेरा लिक्विड विम बार है, और ये मैं नल में लगा के रखती हूँ, इससे पानी ज़्यादा फैलता नहीं है इस तरह, और ये चारों तरफ फैल के निकलता है। और मैं जब भी बर्तन धोती हूँ तो मेरे पास एक ब्रश ज़रूर होता है, ये नया था लेकिन इसको यूज़ करते करते इसका ये हाल हो गया है। तो जब भी मुझे कॉर्नर में कुछ रगड़ना हो बर्तन, जिस जहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है, तो ये मैं इसका यूज़ करती हूँ। और स्टील वूल के लिए मैं हमेशा इस तरह का सोप केस यूज़ करती हूँ ताकि पानी पूरी तरह बह जाए। और इस तरह स्क्रबर भी मैं इस तरह रखती हूँ ताकि इसके भी पानी यहाँ से निकल जाए, पानी इसमें रहेगा तो कीटाणु बैक्टीरियाज आएंगे, इसलिए मैंने ऐसा बना के रखा है। और मेरे पास ऐसा एक वाइपर है, जब भी यहाँ पे पानी एक्स्ट्रा फैल जाता है तो मैं इससे बहुत इजीली साफ कर लेती हूँ। और मैं अपना जो काउंटर टॉप है उसको एकदम ड्राई रखती हूँ, मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं इसको ड्राई रखूँ। उसके बाद मुझे गैस चूल्हा साफ़ करने के लिए मैंने ये वाइप्स रखती हूँ यहाँ पे, ये भी यहाँ पे ऐसे रखने से ये सूख जाता है। और इसका प्लेटफॉर्म साफ़ करने के लिए मैं इसका अलग कपड़ा रखती हूँ इस तरह, तो ये भी जब गीला रहता है तो ये ड्राई हो जाता है इस तरह टंगे टंगे। तो ये देखिए मेरा ये है काउंटर टॉप। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो और ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैं इस तरह का ऑर्गेनाइजेशंस और ब्यूटी टिप्स मैं देती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।